मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो एक्सेस टू ड्राइविज जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। उसमें क्या है, इसमें इस वीडियो पे क्या होगा कि जो लास्ट चैप्टर जो जिस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है कि इसमें लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेशन से संबंधित कुछ हैं ऐसे क्वेश्चन। उसमें क्या है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा करके इसमें रख रहा हूँ, उसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल मैं हर जो वॉल्यूम डीजे देशमुख की जो तीनों वॉल्यूम है ना, उसमें पढ़ाता जाऊँगा, तो उसमें ऑटोमेटिक वो टॉपिक क्लियर होती जाएगी। इसलिए उतना डीपली नॉलेज लेना नहीं है इसको। जो टॉपिक इस टॉपिक में जो चल रहा है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ। उसके बाद जो है धीरे 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 सारा चीज़ क्लियर होता रहेगा, है ना। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ समझ में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो पे ये सब जो पॉइंट हैं ये चर्चा करूँगा। पहला कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोयला का ट्रांसपोर्ट जो होता है किस माध्यम से किया जाता है। दूसरा है रॉकर सावेल, रॉकर सावेल है क्या। तीसरा प्रोग्रेस ऑफ हेडिंग, ये प्रोग्रेस ऑफ हेडिंग किस तरह से करते हैं। वेंटिलेशन अरेंजमेंट कब जरूरत पड़ता है, मतलब मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल करने की कब जरूरत पड़ती है, ये चीज मैं बताऊंगा। सेंटर लाइन क्या होता है और ग्रेड लाइन क्या होता है, ये डेफिनेटली आपको ग्रेड लाइन जो है आपको नया मिलेगा। रॉकर सावेल जो होता है ये भी आपको नया मिलेगा। सेंटर लाइन तो आप जानते ही हैं कि सेंटर लाइन होता क्या है, लेकिन सेंटर लाइन इस टॉपिक में क्या होगा, सेंटर लाइन हम लोग किस तरह से पॉइंट मार्क करते हैं, वो चीज़ इस वीडियो पे बताया जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का पहले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल और मिनरल इन टू ए अंडरग्राउंड माइंस, मतलब अंडरग्राउंड माइंस पे कोल की ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या साधन है, क्या साधन यूज किया जाता है, वो क्या है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है कि रॉप हॉलेज, सेकेंड इज स्क्रैपर चेन कन्वेयर, थर्ड इज लोकोमोटिव, फोर्थ इज बेल्ट कन्वेयर एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज। जैसे एक चीज मैं बात बता देता हूँ कि हॉलेज जो सिस्टम होता है ना, वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो रॉफ हॉलेज होते हैं, दूसरा है लोकोमोटिव, तीसरा है बेल्ट कन्वेयर, और बेल्ट कन्वेयर के अंदर में ही स्क्रैपर चेन कन्वेयर, चेन कन्वेयर, सैंडविच कन्वेयर, ये सब सारे आते हैं। और चौथा जो है ना, चौथा जो हॉलेज सिस्टम है वो शटल कार को भी जोड़ा गया है। ये जानते हैं, ये आपको थर्ड वॉल्यूम मशीनरी पे मिलेगा इस चैप्टर पे, है ना वो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको बाद में पढ़ाऊंगा कि ये सब सारे क्या मेथड है। इसी के हेल्प से हम कोल की ट्रांसपोर्ट हम लोग करते हैं। कोल का हॉलेज जो होता है ना, हॉल करना होता है, वो इसी चार मेथड के जरिए से होता है। रॉफ हॉलेज में जैसे हम लोग जानते हैं, रॉफ हॉलेज में डायरेक्ट हॉलेज आता है, इंग्लिश हॉलेज आता है, मेन एंड टेल रॉफ हॉलेज आता है, टेल रॉफ हॉलेज आता है, ग्रेविटी हॉलेज आता है, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। जिस तरह से लोकोमोटिव भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अंडरग्राउंड का, कि भाई कोयला जो है इसके हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। ये मैं सारा मशीनरी चैप्टर पे पढ़ाऊंगा जब उसका मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग हेडिंग इंडलेस रॉफ हॉलेज इज यूज, मतलब किस टाइप की हेडिंग में। जैसे हेडिंग हम लोग जानते हैं ना कि एक डीप हेडिंग होता है, राइज हेडिंग होता है, लेवल हेडिंग होता है, तो किस हेडिंग में इंडलेस रॉफ हॉलेज का इंस्टॉल किया जाता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला है डीप हेडिंग, सेकेंड इज राइज हेडिंग एंड थर्ड इज लेवल हेडिंग, फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा लेवल हेडिंग। लेवल हेडिंग पे ही इंडलेस हॉलेज रॉप का इंस्टॉलेशन किया जाता है। डीप हॉलेज, डीप हेडिंग में और राइज हेडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट रॉप हॉलेज होता है।
नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने जा रहा हूँ कि इनलेस होलेज जो होता है कितने लेवल हेडिंग की कितने लंबाई होने पर इनलेस होलेज का इंस्टॉल किया जाता है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेवल हेडिंग कितनी लंबाई होने पर वहाँ इनलेस होलेज बैठाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पहला है, फर्स्ट इज 100 मीटर, सेकेंड इज मोर देन 100 मीटर, थर्ड इज 50 मीटर, फोर्थ इज 1 एंड 2, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो होगा फोर्थ 1 एंड 2। जब लेवल हेडिंग की जो डिस्टेंस होती है वो 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक होती है तो हॉलेज इनलेस हॉलेज का इंस्टॉलेशन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यार 100 मीटर से कम पे क्या होगा, 100 मीटर से में क्या होगा, 100 मीटर का से कम में उसमें हैंड ट्रामिंग का इस्तेमाल होगा। हैंड ट्रामिंग का इस्तेमाल का मतलब क्या होता है, हैंड ट्रामिंग का मतलब है कि ट्रैक बिछा हुआ है, है ना, ट्रैक यहाँ पे बिछा हुआ है, ट्रैक बिछा हुआ है इसमें, और यहाँ पे फेस है, तो इसमें क्या करेंगे, आदमी जो यहाँ से लोडिंग, जो यहाँ पे टब लोड होगा और यहाँ से आदमी ठेल करके यहाँ पर जो डायरेक्ट रोप होले जाएगा इसको आके दे देगा, ठीक है, इसी को हैंड ट्रामिंग कहते हैं। देखिए हम फिगर से भी हम समझा देते हैं, इस फिगर को देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है कि ये मेन हॉलेज है, ठीक है, ये मेन हॉलेज है। अब मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग चल रहा है, तो इस हेडिंग में अगर 100 मीटर के अंदर पे है ये हेडिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक बिछा हो गया, ट्रैक बिछाने के बाद क्या है, यहाँ पे जो लोडिंग होगा, इस लोडिंग को आदमी 2-3 आदमी जो है इसमें सारे ट्रैक को ठेल करके यहाँ पे मेन हॉलेज जो यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप होलेज इसको आके दे देगा और ये क्या करेगा, ये खींच के ऊपर ले जाएगा। और यही चीज अगर 100 मीटर का अगर लेवल हेडिंग हो जाएगा तो इस कारण इसमें क्या होता है, आदमी तो अब उतना दिख ठेल नहीं पाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेवल हेडिंग जो हमेशा लेवल ओरिजिन पूरा प्योर क्या कहते हैं उसको 0 डिग्री लेवल पे ही होता है, ऐसा नहीं होता। ठेलने में भी मजदूर को थकान लगता है, इस कारण क्या है, यहाँ पे हॉलेज इंजन जो है, हॉलेज मतलब इनलेस हॉलेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक पर, है ना। ये चीज़ मैं वर्ड में भी लिख दिया हूँ, यहाँ पे देख लेना, वेन लेवल हेडिंग लेंथ इज शॉर्टर डिस्टेंस कवर बाय हैंड ट्रामिंग बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ हॉलेज, है ना। अब समझिए कि अब इसमें क्या है, वाई द एडवांस ऑफ डीप हेडिंग इज स्लो एंड ड्राइव लेवल राइज गैलरीज फास्टर देन डीप। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई डीप हेडिंग आखिर स्लो क्यों होता है, है ना। यहाँ देखिए इस फिगर को पहले अच्छा से आप समझिएगा कि यहाँ पे मेरा एम क्या होता है ना, कि पहले डीप जो हेडिंग होता है इसको स्लो क्यों करते हैं और इसको फास्टर क्यों करते हैं, और यहाँ पे रेजिंग और लेवलिंग को इसके मुकाबले ज़्यादा फास्टर ये करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि डीप जितना जाएंगे ना भाई उतना वाटर का जो सीपेज होता है ना वो बढ़ता जाता है। इस कारण क्या कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादातर इधर से ही स्टार्ट कर दें। डीप ज़्यादा जाते जब को डीप जो है ज़्यादा जाएंगे तो वाटर का होने का ज़्यादा संभावना होता है, ठीक है, ऐसा नॉर्मली चीज लीजिएगा। ड्यू टू वाटर द एडवांस ऑफ डीप हेडिंग इज स्लो, वाटर के होने के कारण जो है डीप हेडिंग बहुत स्लो किया जाता है और राइज डीप ड्राइव लेवल और राइज गैलरी जो है फास्टर रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैं रॉकर सॉवेल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट रॉकर सॉवेल। फर्स्ट ऑप्शन इज SDL, सेकेंड इज LHD, फोर्थ इज रॉप सॉवेल एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रॉप सॉवेल। रॉप सॉवेल कोई रॉकर सॉवेल नहीं है। रॉकर सॉवेल क्या है, यूजी के केस में जो लोडर होता है ना वही लोडर को हम लोग कहते हैं रॉकर सॉवेल, ठीक है। जो फेस से कोयला उठा करके टब में डालता है उसे हम रॉकर सॉवेल कहते हैं। रॉकर सॉवेल में क्या क्या आ जाते हैं, SDL आ जाएगा, LHD आ जाएगा और क्या होता है क्राउडर माउंटेड। अब रॉकर सॉवेल है क्या, रॉकर सॉवेल इज अ लोडर, है ना, लोडर। इट कंसिस्ट ऑफ पहला चेचिस फिट विथ क्राउलर चेन, क्राउलर चेन भी हो सकते हैं जो SDL में होता है। न्यूमेटिक टायर मतलब टायर होता है जो LHD पे होता है। व्हील फॉर ट्रैक्शन, व्हील भी हो, चक्के भी होते हैं। देखिए ये वाला चक्का जो है ना ये
यहाँ पे, इसको हम व्हील वाला बोल सकते हैं, ठीक है, है ना। दो तीन तरह का हो गया। एंड ए लोडर बकेट शुड एट वन एंड, मतलब एक तरफ सीधी सी बात है, इसमें क्या है, एक बकेट सोयल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। रॉकर सवेल हमेशा अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। ओ चलिए, रॉकर सवेल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं फिगर के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। फिगर में देखिए, यहाँ क्या है, मान लीजिए ये पूरा जो है वर्जिन कोल है ना, वर्जिन कोल है। तब यहाँ क्या करेंगे, पहले हम हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाते हुए अगर रेलवे साइडिंग, मतलब रेलवे साइडिंग जो होता है ना, जहाँ पे कोल ट्रांसपोर्ट होता है, अगर वो चीज़ अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन जो एम होगा कि डीप हम बनाएंगे पहले, राइज जो है, जो जो लेवल है ना, लेवल थोड़ा, जब ये रेलवे ट्रैक बन जाएगा, यहाँ रेलवे साइडिंग की फैसिलिटी हो जाएगी, तब इधर में हम प्रोडक्शन के प्रोडक्शन हम करना चालू कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, जब रेलवे साइडिंग नहीं होता है, तो पहले डीप को ही बनाने का हम कोशिश ज़्यादा करते हैं, ताकि क्या है कि हम कोल का अगर निकालेंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, वो तो स्टोर होता जाएगा। इस कारण क्या है, डीप को हम ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे ही रेलवे साइडिंग हमारा बन जाएगा, कोयला को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रेलवे साइडिंग बन जाएगी, फैसिलिटी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 5-6 हेडिंग लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट बना करके आराम से डेवलपमेंट हम करते हुए कोयला का प्रोडक्शन करेंगे और इससे हम कमाई करेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इन डेवलपिंग माइन द एम शुड बी टू ड्राइव मेन हेडिंग, है ना, मेन हेडिंग, पर्टिकुलरली द डीप हेडिंग। डीप हेडिंग को ही पहले क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। इन न्यू माइंस में क्या होता है, इन विच इन इन ए न्यू माइन विच हैज़ नो रेलवे साइडिंग फैसिलिटी, कंसंट्रेशन टू बी ऑन ड्राइवर्स ऑफ डीप हेडिंग। वह बोला ना, रेलवे फैसिलिटी अगर नहीं होती है, रेलवे साइडिंग फैसिलिटी, तब डीप को ही हम ज़्यादातर कंसंट्रेशन करेंगे कि डीप हेडिंग प्रोडक्शन के अलावे जो है, प्रोडक्शन ना करके हम डीप हेडिंग को ही एडवांस करते हुए चलेंगे। और जैसे ही हमारा रेलवे साइडिंग की फैसिलिटी हमारा हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 5-6 हेडिंग लेकर के डिस्ट्रिक्ट बना करके हम प्रोडक्शन चालू करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसको अभी मत देखें। जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखें कि एक इंक्लाइन माइन में वेंटिलेशन का अरेंजमेंट कब करते हैं। देखिए भाई, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट क्या है, दो तीन हेडिंग जब तक पहुंच ना जाए, तब तक हम मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हैंडबुक के अनुसार कहेंगे, जब इंक्लाइन होता है, ये मान लीजिए सीम है, तो इंक्लाइन क्या है, मान ली प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया ना कि डीप हेडिंग को कंसंट्रेशन किया जाता है, अगर डीप हेडिंग अगर 60 मीटर से अधिक हो जाए, तो MMV का हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मतलब मैकेनिकली की तौर पे हमको करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि ये यार सेकेंड जो इंक्लाइन है, कि सेकेंड इंक्लाइन बनाएंगे, इसको बनाने के बाद इसको ये बनाएंगे, तो यहाँ पर भाई अगर कुछ भी है, हेडिंग बनाते जा रहे हैं, इधर नहीं बना है, तो यहाँ पे 60 मीटर तक हम जो है नेचुरल वेंटिलेशन पहुँचेगा। ये तो इंक्लाइन की बात होगी, अगर इंक्लाइन हम 60 मीटर से कम है और हेडिंग हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, तो कितना हेडिंग होने पर यहाँ पे वेंटिलेशन का अरेंजमेंट जो है मैकेनिकली के तौर पर किया जाएगा, मतलब दो या तीन से अधिक जो है हेडिंग अगर हो जाए, तो वहाँ पर हमें वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या, कौन सा अरेंजमेंट होता है, उसमें इससे पहले नेचुरल वेंटिलेशन काम करता है, ठीक है, वही चीज़ है। सारा चीज़ मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटिलेटिंग एयर इज कोर्स टू वर्किंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग, सेकेंड इज ब्रिटिश क्लोथ, थर्ड इज एक्सरी फैन विथ ट्यूब एंड वेंटिलेशन डोर, 5 इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। कोर्सिंग करने के लिए वर्किंग प्लेस तक वेंटिलेशन जो है पहुंचाने के लिए हमें इन सबों का जरूरत पड़ता है। आप सोच रहे होंगे यार कि वर्किंग प्लेस तो एक्सलरी फैन विथ ट्यूब होता है, कैनवास का ट्यूब होता है, लेकिन भाई अगर आप ही सोचो कि अगर फेस तक जो यहाँ पे
जो हेडिंग मान लिया जाए कि यहाँ पे हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको वेंटिलेट करना है, तो यहाँ पे हम एक्सिलरी फैन बैठाएं, तो क्या भाई यहाँ से जो कोर्सिंग करते हैं एक्सिलरी फैन विथ ट्यूब, तो यहाँ तक हवा कैसे पहुँच रही है? हाँ, यहाँ तक हवा पहुँचाने के लिए यहाँ तो भी कोर्सिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ तक जो कोर्सिंग कर रहे हैं ये तो स्टॉपिंग बनाया हुआ है, तभी तो यहाँ पे पहुँच रहा है। एयर क्रॉसिंग बनाना पड़ रहा है, यहाँ स्टॉपिंग बनाना पड़ रहा है, वेंटिलेशन डोर देना पड़ रहा है, तो यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक जहाँ पे एक्सिलरी फैन है वहाँ तक भी कोर्सिंग करने के लिए क्या जरूरत पड़ रहा है? स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, एयर क्रॉसिंग, ये सब का भी जरूरत पड़ रहा है। और वर्किंग फेस तक पहुँचने के लिए एक्सिलरी फैन विथ ट्यूब लगाना पड़ रहा है। अब समझ में आया कि सारे सारे चीज़ जो है यहाँ पे जो है कोर्सिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। वाई पार्टीशन ऑफ रोडवे बाय ब्रिटिश क्लोथ इज इनकन्वीनियंट, मतलब आप हैंडबुक में पढ़े होंगे या फिर किसी में कोई भी बुक में पढ़िए कि वेंटिलेशन करने के लिए, फेस में वेंटिलेशन करने के लिए क्या होता है। फेस में मान लीजिए फेस है, ये हेडिंग है, डीप हेडिंग है, तो इसमें यहाँ पे फेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश क्लोथ खड़ा करके, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश मान लीजिए ये है ना, इसमें क्या कर दिए हैं, खुट्टा खाड़ दिए, इसमें ब्रिटिश क्लोथ लगा दी, यही वाला ये पॉइंट है ना। यहाँ पे ब्रिटिश क्लोथ खड़ा कर दिए रूफ से फ्लोर तक, और ये इनटेक बन गया और ये रिटर्न बन गया। लेकिन भाई इसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि जो लोडर यहाँ पे लोडिंग करता है उसके लिए क्या हो जाता है, विड्थ कम, और मोमेंट में हो जाता है दिक्कत। इसी कारण क्या है, इसको हटा करके इस ब्रिटिश पार्टीशन को, मतलब ब्रिटिश क्लोथ का पार्टीशन को हटा करके फैन को एक्सिलरी फैन लाया गया, और एक्सिलरी फैन विद कैनवास का ट्यूब या स्टील का ट्यूब इस्तेमाल करके हम एयर क्रॉसिंग विद फेस हम अप टू द फेस करते हैं। वही चीज यहाँ पे अप टू हिंदी लिख दिया है ना, बिकॉज रिड्यूस द विड्थ ऑफ रोडवे एंड रेस्ट्रिक्टेड द मोमेंट एंड द स्पीड ऑफ टब लोडर। मैंने जैसे बताया वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइवेज इन रोडवे, ड्राइवेज इन स्टोन, स्टोन में जो ड्राइवेज बनाते हैं उस केस में हम डायरेक्शन का इंश्योर कैसे करते हैं, फेस का, फेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सेंटर लाइन ही जो होता है उसको हम ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए ये आपका ड्रिफ्ट यहाँ पे है, ये ड्रिफ्ट है, मुझे तो पता नहीं, इसको इंक्लाइन हमको इसी डायरेक्शन पे जाना है, तो इस डायरेक्शन पे क्या होता है, ये तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन पे इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमको सेंटर लाइन जो है रूफ में छोड़ा जाता है। अब रूफ में सेंटर लाइन कैसे देते हैं ये चीज आप देखेंगे, अभी बताएंगे कि ग्रेडियंट को भी कैसे किस तरह से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं वो भी बताएंगे। देखिए सर्वेयर क्या करता है, पहला काम क्या करता है, जहां पे हम ड्रिफ्ट बनाते हैं शुरुआती पे एक रिफरेंस पॉइंट ले लेता है, उस रिफरेंस पॉइंट में एक प्लग, परमानेंट प्लग यहां पे लगा देता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे सेंटर लाइन खींचता है। ये जो प्लग होता है ये सेंटर लाइन पे होता है, और फिर 10-10 मीटर पे यहां पे पॉइंट करते हुए यहां पे सेंटर लाइन खींचते जाते हैं, सेंटर लाइन खींचते जाते हैं, तो ये हेडिंग क्या है उसी सेंटर लाइन से देखते हुए फेस आगे बढ़ता है। अब आ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखिए सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं। द सर्वेयर हैज मार्क परमानेंट रिफरेंस पॉइंट बाय प्लग इन द रूफ एट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ड्रिफ्ट, सच रिफरेंस पॉइंट शुड बी इन द सेंटर लाइन। ये बताया मैंने कि जो रिफरेंस पॉइंट होता है सेंटर लाइन में होता है। एज द लेटर एडवांस, जैसे जैसे एडवांस होगा वैसे मास्टर प्लग फिक्स करते हुए 10-10 मीटर के इंटरवल पर वहां पे प्लग करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रेड लाइन इज रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑप्शन इज गैलरी, सेकंड इज ग्रेडियंट, थर्ड इज सेंटर लाइन, फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेडियंट। मतलब ग्रेड लाइन क्या होता है, किससे रिलेटेड है, ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हमें ग्रेड लाइन की सहारा की जरूरत पड़ती है। ग्रेड लाइन हम लोग खींचते हैं ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए। अभी बताएंगे ग्रेडियंट होता क्या है और कैसे करते हैं, ग्रेड लाइन देते कैसे, ठीक है।
ड्रिफ्ट के ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए कौन सी लाइन मार्क की जाती है, बता दिया मैंने। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ग्रेड लाइन होगा। ग्रेड लाइन है क्या, यहाँ पे देखिए ग्रेड लाइन क्या है, इट इज अ लाइन दैट मेंटेन द ग्रेडियंट ऑफ द ड्रिफ्ट, है ना। इट इज मार्क ऑन द साइड बाय रीड लीड 1 meter above the floor of the drift and plug are fixed on the grade line after every 3 meter and 4 meter, है ना। समझिए, अच्छा से समझिए, ये आपका ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट को अच्छा से मेंटेन, अब मान लीजिए एडवांस कर रहा है तो ग्रेडियंट को कैसे ध्यान में रखेंगे भाई। तो ध्यान में रखने के लिए क्या करता है कि इस पे जो है फ्लोर से 1 meter ऊपर यहाँ पर रेड लीड के कलर यहाँ पे करते जाते हैं हर 3 meter पर, है ना। हर 3 meter बढ़ाएंगे और 3 meter से ऊपर जैसे यहाँ पे रहेगा ये पहुँच जाएगा 1 meter का, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। हर इस पॉइंट पे हम प्लग करते हुए ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, एक स्प्रिट लेवल से हम ग्रेडियंट को भी नाप लेते हैं, यहाँ पे रख करके स्पीड लेवल को नाप लेते हैं कि भाई ग्रेडियंट मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। वही चीज सेम टू सेम जो मैंने बोला है वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गया, ग्रेड लाइन किससे संबंधित है, मेंटेन करने के लिए, ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। और जो रेड लीड होता है ना वो मिटने वाला भी नहीं होता, पानी से जल्दी मिटता नहीं है, ठीक है। ग्रेड लाइन मार्क करने का काम किसके इंचार्ज में होता है, ग्रेड लाइन किसके इंचार्ज में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइनिंग सरदार, सेकंड इज ओवरमैन एंड थर्ड इज वेंटिलेशन ऑफिसर, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ओवरमैन के इंचार्ज में ही ग्रेड लाइन मार्क किया जाता है। ये चैप्टर जो है आज खत्म होता है, क्योंकि जो इसमें जो टॉपिके हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट सारे मैं उठा के ला दिया हूँ, ठीक है। इसमें और कोई इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर पे होगा, ठीक है। इसी तरह मैं धीरे धीरे जो है सेकंड वॉल्यूम भी और थर्ड वॉल्यूम मशीनरी उसको भी कवर अप करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। आप जितना सीख पाओ उतना सीख जाओ। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने दोस्तों को अगर सीखे हैं तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए और आनंद लीजिए। चलिए, धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।